नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, मामला हरदोई के थाना शहर कोतवाली का है, जहां पीड़िता ने अपने शारीरिक प्रताड़ना का आरोप अपने पति और अपनी ननद पर लगाया है। बताते चले कि नवविवाहिता पिंकी की शादी सदानंद के साथ इसी महीने की 6 तारीख को हुई थी। शादी के 20 दिन बाद नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष पर पिटाई तथा घर से निकालने के आरोप पर शिकायती तहरीर शहर कोतवाली में दी है। घर से निकालने का कारण नवविवाहिता ने दहेज की मांग के रूप में सोने की चैन और मोटरसाइकिल आदि बताया। पहले मामला हरदोई के महिला थाने पहुंचा, जहां संतुष्ट न होने पर शहर कोतवाली में तहरीर दी। अब पुलिस जांच में क्या निकल के आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लड़की मायके पक्ष के साथ पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है। ये जो रो रो के अपना दुखड़ा सुना रही है, ये लड़की कोई और नहीं नवविवाहिता पिंकी है। इसके अनुसार शादी के दूसरे दिन ही लड़का मोटरसाइकिल और सोने की चैन की मांग करने लगा। लड़की ने बताया कि हम बहुत गरीब घर के हैं, ये सब नहीं दे सकते। यही उसके साथ रोज मारपीट होने लगी। सारा जेवर कपड़े आदि रख के लड़की को मारपीट के मायके भगा दिया। बहरहाल कोतवाली शहर में तहरीर दी गई है। क्या कार्रवाई होती है, दोषी कौन है, यह जांच का विषय है। मगर लड़की के आंसू हर बात पर निकल रहे थे। उसका बार बार रोना मुझे भी कटोच रहा था। जी हाँ, मेरे साथ हैं अभी ये पिंकी जी। इनकी शादी को अभी 22 दिन ही हुए हैं मात्र, और 22 दिन के बाद ही इनके साथ ससुराल पक्ष के द्वारा मारपीट की जा रही है और दहेज की मांग की जा रही है, और इनकी कहीं भी शिकायत भी नहीं सुनी जा रही है। क्या हुआ आपके साथ पिंकी जी? 16 तेज बोले, सुनाई नहीं दे रहा। किसके साथ हुई थी आपकी शादी? सदानंद। उनके पिताजी का नाम क्या है? और किसने किसने मारा आपको? दहेज में क्या क्या मांगा जा रहा है आपके साथ? और घर से भगा दिया? पहनने के लिए कपड़े वगैरह भी नहीं दे रहे हैं? कह रहे हैं घर पे नहीं रखेंगे तुमको? हाँ, ठीक है।